एवरीबॉडी, आई एम नोवा रे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू स्क्रीन के बारे में, या फिर आप उसे कह सकते हो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में। दोस्तों एक एरर होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये एरर क्यों आता है और इसका सलूशन क्या है। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना दबाना जाओ की मर्जी है। सो दोस्तों यहाँ पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये एरर क्यों आता है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल सी एक सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि भाई अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में कोई भी सेकंड हैंड हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेकंड हैंड काफी जो चीज यूज हुई हो पहले, अगर आप वैसी अगर कोई रैम यूज कर रहे हो या फिर आप कोई हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये एरर आए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। देखिए ये जो एरर होता है ये बेसिकली तीन कारणों से आता है। एक तो होता है सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरा होता है हार्डवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई सेकंड हैंड हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो ये एरर आ सकता है। तीसरा होता है वायरस अटैक, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ऐसे भी किसी के भी कंप्यूटर में ये नॉर्मली नहीं होता है। बेसिकली दोस्तों सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा जो एरर आता है वो उन कंप्यूटर्स में आता है जो सेकंड हैंड हार्डवेयर यूज करते हैं। सो दोस्तों जब भी आपको ब्लू स्क्रीन एरर मतलब ब्लू स्क्रीन आती है दोस्तों वहां पर लिखा होता है कि कौन सा एरर है। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो एक एरर होता है फाइल सिस्टम एरर। दोस्तों फाइल सिस्टम एरर वो होता है जिसमें कि आप कह लो कि आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि भाई आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो भाई आपको सिंपली करना क्या है, हार्ड डिस्क को अपने सीपीयू से निकालना है, उसके बाद आपको उसे अपने कान के पास शेक करके देखना है, मतलब हिलाना है ऐसे। और दोस्तों अगर उसमें से कोई आवाज आ रही है, क्योंकि भाई अगर हार्ड डिस्क होती है जो नई हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू होती है, उसमें दोस्तों कोई आवाज नहीं आती, जो हार्ड डिस्क ठीक ठाक होती है, मतलब जो सही होती है वो, ठीक है। अगर दोस्तों आप कुछ सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ले रहे हो तो भी भाई लेने से पहले भी एक बार आप उसे हिलाकर देख लो कि अगर उसमें से कोई भी आवाज आ रही है तो आप उस हार्ड डिस्क को मत खरीदो। और अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप एक बार उसे हिलाकर देख लो कि उसमें से कोई आवाज तो नहीं आ रही। अगर दोस्तों वो आवाज आ रही है और आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद एक बार चल रहा है, तो भाई जितना भी आपका डाटा आपके कंप्यूटर में आपको जो लगता है कि भाई ये डाटा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेन है, उस डाटा को कॉपी कर लो, क्योंकि भाई कोई पता नहीं कि आपकी हार्ड डिस्क उसके बाद किस वक्त क्रैश हो जाए। एक बार क्रैश होगी तो भैया उसको सिर्फ और सिर्फ रिकवर किया जा सकता है, उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर एक बार भी अगर आपको फाइल सिस्टम एरर दिखता है जिसमें कि ये होता है कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है, तो भाई आप अपना जो डाटा है उसे फटाफट कॉपी कर लो, अगर आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद चल रहा है तो, ठीक है, रिस्क मत लो। उसके बाद दोस्तों एक एरर आता है डाटा बस एरर। इसमें दोस्तों सिंपली अगर मैं कहूं कि इसमें हाथ होता है रैम का। अब इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो, आपको अपना सीपीयू खोलना है, उसके बाद आपको अपनी रैम को निकाल लेना है, जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, बेसिकली दो पोर्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड में, उनको आपको साफ करना है ब्रश के साथ। ब्रश होता है ना जो जिसमें हम पेंट करते हैं, ठीक है, वो भी साफ होना चाहिए, ऐसे नहीं गंदा कोई ब्रश, ठीक है, एकदम साफ ब्रश के साथ आपको उसे साफ करना है और अपनी रैम को भी साफ कर लेना है उस चीज से। पानी का यूज बिल्कुल मत करना। और दोस्तों उसके बाद भी अगर ये एरर आता है तो सिंपली ये आप समझ लो कि आपकी रैम जो है वो खराब हो चुकी है, आपको एक नई रैम यूज करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप दोनों पोर्ट में उसी अपनी रैम को यूज करके देख लो, हो सकता है कि अगर आप दो रैम यूज कर रहे हो तो उसमें से कोई एक रैम खराब हो, तो आप दोस्तों दोनों रैम में से एक एक रैम को निकाल कर देखो। अगर उसके बाद अगर फिर भी आता है तो भाई पोर्ट चेंज करके देख लो, अगर फिर भी एरर आता है तो भाई आपकी रैम जो है वो खराब हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों एरर आता है बूट डिवाइस एरर। अब बूट डिवाइस से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो बहुत सारी विंडोज की फाइल जो होती है वो लोड हो रही होती है। लेकिन दोस्तों इस एरर में भी हार्ड डिस्क का हाथ होता है, यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब है तो बूट डिवाइस एरर, यानी कि इसका नाम होता है पूरा इनएक्सेसिबल बूट डिवाइस एरर। अगर दोस्तों ये आता है तब भी भैया आपकी हार्ड डिस्क का भी इसमें हाथ हो सकता है। हो सकता है कि दोस्तों इसमें जो आप फाइल जो होती है आपके कंप्यूटर में विंडो की फाइल वो कोई मिस हो रही हो, या फिर दोस्तों आपकी कोई बायो सेटिंग जो होती है, जो कि जब हम लोग कोई नई विंडो करते हैं तब जो हमारे कंप्यूटर जिसके पास हम लोग लेकर जाते हैं शॉपकीपर के पास, वो एक स्क्रीन खोलते हैं रेड कलर की होती है, ठीक है, उसमें तरह तरह के व्हाइट कलर में कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसे हम कहते हैं बायोस। उसमें दोस्तों कोई ना कोई सेटिंग होती है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आता है कि ओएस करप्टेड, यानी कि हो सकता है कि आपका जो विंडो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो चुका हो। सो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई सबसे पहले आप अपनी विंडो जो है उसे रीइंस्टॉल करके देखिए, अगर फिर भी अगर एरर आता है तो भाई हो सकता है कि आपके कोई ड्राइवर में प्रॉब्लम हो या फिर बायोस सेटिंग हिली हो, अगर फिर भी एरर आता है
तो भाई आपकी हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो चुकी है या फिर वो खराब हो चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद जो एरर आता है वो आता है मशीन चेक एरर, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो हम लोग ड्राइवर्स यूज करते हैं, हो सकता है कि वो ड्राइवर्स पुराने हो या फिर वो ड्राइवर्स जो है वो करप्ट हो। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि भाई उन सारे ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद दोस्तों आपको नए ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है जो कि जेन्युइन होते हो। सो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन एरर। अगर इसके अलावा भी आपके कंप्यूटर में आपको कोई ऐसा एरर दिखता है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।